अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़हीर अहमद व्लॉग और मैं हूं ज़हीर अहमद। आज संडे का दिन था तो सबसे पहले खूब सारी नींद की, उसके बाद अभी बज रहा है एक और हम जा रहे हैं अपनी कटिंग शटिंग करवाने। और कटिंग करवाने कहाँ जा रहे हैं? और मैं हूं, मेरे साथ हमारे दो पार्टनर भी है, अब्दुल समद और इमदाद अहमद। इमदाद अहमद आज सुबह सुबह अपने भाई के साथ, सिकंदर भाई के साथ आ गया था, तो अभी अब्दुल करीम भाई भी वो भी यही हैं क्योंकि आज उसकी भी छुट्टी थी, तो वो अब्दुल समद की गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहा है और हम भी अभी निकल रहे हैं। अब्दुल करीम भाई से सलाम कर ले। और एक और बंदा भी बैठा हुआ है जो पहले भी हमारे एक व्लॉग में आया था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और खैर खैर खैर। और इस बंदे से रात हमारी लड़ाई हुई थी, मगर लड़ाई ख़त्म करते हैं। और ये बंदा भी हमारे एक व्लॉग में आया था। जिन भाई कब आए थे आप? हफ्ता पहले। हफ्ता नहीं, दो तीन हफ्ते पहले आया था। और जब हम वताए फ़कीर की मज़ार पे गए थे तो इस आदमी ने हमारा साथ दिया था हमारी व्लॉगिंग में। चलो अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और मंजिल काफ़ी दूर है, तकरीबन एक घंटे का सफ़र है हमारे सिटी से। तो निकलते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेजिनेशन पे और कटिंग व शटिंग कराते हैं। काफ़ी लुक बिगड़ा हुआ है, बाल बड़े हो गए हैं, दाढ़ी वगैरह बड़ी। आधे घंटे का रास्ता है, एक घंटे। कितने का है? आधे घंटे का है, घंटा है, ऐसे ही है। काफ़ी है, वैसे भी हमारी सिटी से काफ़ी दूर है। और इंशाल्लाह जल्दी से पहुँचते हैं वहीं और अपना लुक चेंज करवाते हैं। अभी आप मुझे देख लो और फिर देखना कटिंग शटिंग करवाने के बाद। ऐसे ही है रहा। मुझे अभी मरना नहीं है आपके साथ। मरना नहीं है, सही तोला है। एवेन मरी हो, सही तोला है। नहीं, इंशाल्लाह चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अब्दुल करीम, वो जो आपने काम कहा था टन वाला यार वाला, वो यार एक इशू है, वो बाद में करेंगे। आज नहीं करना? नहीं, वो एक दो दिन के बाद। तो हम भले जाएं? हाँ भले जाएं। अगर वहाँ चलें तो आपको जो है ना लेट हो जाएगी बहुत। वहाँ चलेंगे तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे। फिर आप कब वहाँ जाओगे, कब आओगे? अब वहाँ जाएं भले यार, हम तो क्या कल यहाँ पर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो हम जाते हैं अपने कटिंग शटिंग करवाने। वैसे अब्दुल करीम भाई ने भी काम कहा था और वहाँ भी जाना था, तो अब्दुल करीम भाई अभी मना कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कल या परसों वहाँ भी जाएंगे। हम पहुंच गए हैं उस्ताद के पास, मगर सीन ये हुआ है कि हमारा उस्ताद नहीं है। आप बनाओगे ना? जी हाँ। और एक और शख्सियत भी है हमारे साथ, टिकटॉकर अयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये माशाल्लाह टिकटॉक पे ज़बरदस्त फेमस है, ऐसे वैसे भी नहीं, ज़बरदस्त फेमस है। और ये इमदाद अहमद और अब्दुल समद जब से यहाँ आए तब से बस खेल में लगे हुए, ऐसे है अब्दुल इमदाद अहमद जी? बताओ बताओ। हम खेल में लगे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी यहाँ पे खा लिया है। वो दो आदमी जो है नहीं आए थे आज, एक अब्दुल करीम और दूसरा सिकंदर भाई, वो भी चले गए थे तो उनका भी खाना पड़ा था। हमारा नसीब था, हम भी आए तो उनका भी खाना हमने खा लिया। तो अभी कटिंग शटिंग करवाते। और एक भी सीन ये हुआ है कि हमारी गाड़ी में भी मसला था और गाड़ी भी यहाँ पे बनाने के लिए दे दिए, मिस्त्री गाड़ी भी बना रहा है, तब तक हम अपनी कटिंग भी करवा लेते हैं। और उस्ताद जी हाँ। हाँ तो उस्ताद बस शुरू करो। बैठो भैया। हाँ
उस्ताद हमारा बस आपको लुक चेंज करना है जी। थोड़ा गाला था सही उस्ताद, हमारे वीडियो में आने से डर रहे हो या यूट्यूब पे आने पे डर रहे हो, मसला क्या है? वो मसला नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ ना इसीलिए। यार हमारे लिए तो आ जाओ। ये उस्ताद अलहमदुल्ला हमारा कज़न भी है, ऐसे ही ना उस्ताद? जी हाँ बिल्कुल। तकरीबन आधा घंटे की मेहनत के बाद लुक चेंज कर दी है। उसके बाद हम इंतज़ार में थे कि हमारी गाड़ी बन जाए। गाड़ी में तकरीबन हाफ इंजन का काम था, वो भी तकरीबन हो गया है। अभी निकलते हैं वापस अपने शहर के लिए, क्योंकि यहाँ से जाना तकरीबन आधा घंटा या घंटा तो लग जाएगा और रास्ता भी बन रहा है। तो तकरीबन पहले का टाइम कम लगता था, मगर अब रास्ते की वजह से काफ़ी टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी भी बन गई है। गाड़ी बनने के बाद उसमें एक चीज़ की कमी थी, वो ये कि उसको बाकी सर्विस करवाना था। तो सर्विस के लिए हम लेके आए हैं सर्विस स्टेशन पे, तो गाड़ी को खड़ा कर दिया है। अभी काफ़ी गाड़ियां हैं, तो उनके बाद हमारी गाड़ी का नंबर आएगा। तो अभी इंतज़ार है, जैसे ही गाड़ी की सर्विस हो जाती है उसके बाद हम निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन यहाँ ही लग गया, कोई वीडियोस वगैरह शूट ही नहीं की, थोड़ा सा व्लॉग यही बनाया है। सर्विस होने के बाद ये कुछ ये लुक है हमारी बाइक का, माशाल्लाह। ऐसे समझो कि हमारी बाइक दो महीनों से नई ना आई थी। आज जो भी इसमें मट्टी थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई है धुलने के बाद, और थोड़ा सा खर्चा आया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाइक में काफ़ी चेंजिंग आ गई है। नहीं स्टार्ट हो रही क्या? यार स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है पलक में पानी चला गया। मुझे भी लगता है, और इसमें जब पलक में पानी चला जाता है फिर हालत हो जाती है, फिर धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है, वैसे स्टार्ट नहीं होती। हो रहा है कुछ? चेक करते हैं। लगाओ लगाओ, हो जाएगी हो जाएगी। देखते हैं क्या पोजीशन है, चौक है। हो गई, किस्मत अच्छी थी आपकी। चलो लेके चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे ही पीछे। चलो ना बाइक पे चलो। नहीं अभी इसके इतना खर्चा हुआ है, आप चलो मैं आ रहा हूँ, पैदल ही आ रहा हूँ। क्या हुआ? सब्जी भी बहुत है, सी टाइम पंचर हुआ, हमसे सीन हो गया है। हम पूरी 3000 का खर्चा करवाए है। हवा ये मसला ये हो गया है कि अभी हम जा रहे थे वापस घर और टायर हो गया है पंचर, अभी टायर बनवा रहे हैं, इसके बाद जाते हैं वापस से घर। और सर्दी भी माशाल्लाह बहुत है, अल्लाह खैर करे। देखते हैं अगर भाई इधर वाले आते हैं तो जाएंगे उनके साथ। नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा, 10 मिनट का काम है।